रियासत जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जम्मू पुंछ कठुआ उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री हलके से कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी बहुत ही साफ सभी के हैं और बहुत ही बड़ा लंबा सियासी एक्सपीरियंस है। मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरह से ये चुनाव की आगे बढ़ रही है हमारी कैंपेन, लोगों का जैसे रिस्पांस आ रहा है, दोनों सीटों में कांग्रेस भारी अक्सरियत से जीतेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी साहब की अगुवाई में जो सरकार रही है उस सरकार की विफलता और जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है उस सरकार ने लोगों को बहुत दर्द दिए हैं। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगार युवाओं को बहुत अनदेखी हुई है, विशेष तौर पर जम्मू सूबा के युवाओं की, और उसके साथ साथ जहां के किसानों के मसले हैं बॉर्डर में आया रोज फायरिंग की वजह से बॉर्डर का प्रत्येक व्यक्ति इनसे दुखी है। मुझे जन आक्रोश जो है मुझे पूरी उम्मीद है और जैसे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जैसे लोगों के अंदर जोश है, एक उस जोश का फ़ायदा आने वाले 18 तारीख डोडा उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री हलके में और जम्मू पुंछ के पार्लियामेंट्री हलके में कांग्रेस के पक्ष में भारी मतों से तब्दील होगा और दोनों तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी भारी वोट लेके विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी और जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, जिस सरकार का ग्राउंड में कुछ नहीं दिखता, उनकी कोई भी योजना ग्राउंड में आज तक परकुलेट नहीं हुई 5 साल में, सिर्फ वादे झूठ पे झूठ, इसके सिवा लोगों को कुछ नहीं मिला। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से लोगों से फिर अपील होगी, आप उस दिन वोट डालें, कांग्रेस के पक्ष में डालें जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए, जहां उन्नति और तरक्की के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए और किसानों और हर गरीब के साथ खड़ी होने वाली आदरणीय राहुल गांधी जी की सरकार, उनकी पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक के साथ और गरीब माओं के साथ खड़ी होगी। आप भारी मतों से कांग्रेस को विजय बनाए। धन्यवाद।